जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। आपके समक्ष रोजाना हाजिर होते हैं लेकर के आज का पंचांग और आज का राशिफल। कैसा बीतेगा आज का आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, किन बातों का रखना होगा आपको ध्यान, और क्या है आज का पंचांग, विशेषकर राहुकाल और गोलिक काल का समय। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम। सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग की। भाग्य दर्पण उम्मीद की एक किरण। दिनांक 13 अगस्त 2021, दिन शुक्रवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 1:44 तक, तदोपरांत षष्ठी तिथि यानी छठ तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे रात्रि 7:29 तक, तदोपरांत कन्या राशि में। नक्षत्र हस्त सुबह 8 तक, तदोपरांत चित्रा नक्षत्र रहेगा। योग साध्य दोपहर 1:45 तक, तदोपरांत शुभ योग रहेगा। राहुकाल सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 तक, और गोलिक काल सुबह 7:28 से सुबह 9:07 तक। राहुकाल बेहद ही अशुभ समय होता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य इस समय पर न करें। गोलिक काल बेहद शुभ समय होता है, कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य इस समय पर कर सकते हैं। यह थी बात आज के पंचांग की। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा आज का आपका दिन, आइए शुरुआत करते हैं आपके कार्यक्रम की। मेष राशि, वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए पार्टनर से जो भी बोलें या बात करें बहुत सोच समझ करके बोलें, अन्यथा कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर अगर आपको करनी है तो पहले उस पर सोच विचार कर लें। कई बार अनजाने में कुछ गलत बातें हो जाती हैं, फालतू में अपना मूड न खराब करें। आर्थिक रूप से आपको आज अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आय में वृद्धि होना निश्चित है, और एक आय का, इनकम का कोई नया स्रोत भी आपको मिल सकता है, यानी कोई नए कार्य में भी आप संलग्न हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठीक रहेगा। मेष राशि वालों को आज की सलाह, सोशल मीडिया पर कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है जो आपको बहुत आनंदित करेगा। पहली बार में किसी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने से परहेज करें, बचें, वरना धोखा मिल सकता है। शुभ रंग होगा आसमानी, शुभ अंक होगा 4। वृषभ राशि, अचानक फायदा मिलने के योग बन रहे हैं, कारोबार में नए इनकम के मार्ग खुलते हुए दिख रहे हैं, कोई पार्ट टाइम कार्य शुरू करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। महिलाएं आज बाहर खरीदारी करने अगर जा रही हैं तो अपनी चीजों को थोड़ा संभाल करके रखें। आप अपनी सेविंग्स के बारे में कुछ प्लान बना सकते हैं, साथ काम कर रहे लोगों को आपके काम से आज खुशी होगी, ऐसा योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं, दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों को आज की सलाह, नौकरी में आपको लेकर नकारात्मक माहौल बना रहेगा, और काम के सिलसिले में बाहर जाने का योग भी बन सकता है, कार्यक्रम भी बन सकता है, इसलिए संभल करके ही कोई भी एक्शन लें या कोई भी कदम आगे बढ़ाएं। शुभ रंग होगा संतरी और शुभ अंक होगा 2। मिथुन राशि, रिश्तों से जुड़े कई पहलू आपके लिए खास हो सकते हैं, किसी रिश्ते को मजबूत करने या टूटना, या टूटते रिश्ते को बचाना अगर मैं कहूं, उसके रिगार्डिंग अगर कोई सलाह आपको किसी से लेनी है तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आज आप ऐसे कई काम निपटाएंगे जिनकी अनदेखी आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, अचानक सामने आने वाले कामों के लिए खुद को पहले से तैयार कर लें। मिथुन राशि वालों को आज की सलाह, कहीं से कर्ज लिया हुआ है तो आज उसमें कुछ अड़चन आ सकती है, घर में किसी बात को लेकर कलेश होने की भी संभावना है। शुभ रंग आपके लिए होगा हरा और शुभ अंक होगा 6। कर्क राशि, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, झटपट पैसा कमाने के बजाय टिकाऊ लाभ के लिए सोचें, पॉजिटिव रहें, नतीजा अच्छा होगा। ऑफिस में दिन सामान्य बीतेगा, आज आप किसी भी महत्वपूर्ण मामले में कारगर राय दे सकते हैं, पुराने किसी नुकसान की भरपाई आज होती हुई दिख रही है, काम की अधिकता थोड़ी ज्यादा रहेगी, घर में नए मेहमान आने की भी संभावना है जिससे मन खुश रहेगा। कर्क राशि वालों को आज की सलाह, आज किसी को उधार देने से बचें और सेहत का विशेष ध्यान रखें। शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 9। सिंह राशि, आप अपने व्यवहार में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो लेकर के आए, हालांकि व्यापार में सफलता मिलती हुई दिख रही है, ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बन सकते हैं, योग्यता को साबित करने के लिए बेहतर अवसरों का आप लाभ पूरी तरह से उठा पाएंगे, आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बच्चों से खुश रहेंगे,
जीवन साथी के साथ संतोषप्रद जीवन का लाभ आपको मिलेगा। थोड़ा सा अपने व्यवहार को बदल लें तो बेहतर रहेगा। सिंह राशि वालों को आज की सलाह, आज के दिन आपको कहीं से भी निवेश करने से बचना है। कहीं पैसा अगर लगाया हुआ है तो ध्यान रखें, अन्यथा पैसा डूब भी सकता है। शुभ रंग होगा स्लेटी, शुभ अंक होगा 7। कन्या राशि, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, अंत में सब अच्छा होगा। घर में अपने जीवन साथी के मूड का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शक और झूठ के कारण किसी प्रकार की अनबन हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से सब ठीक रहेगा। उन्हें करियर में कोई बड़ी तरक्की भी मिल सकती है। मस्तक पर हल्दी का टीका लगाएं, उत्साह बना रहेगा। कन्या राशि वालों को आज की सलाह, कोई आपको बहकाने की कोशिश करेगा इसलिए बचकर रहें। किसी बाहरी व्यक्ति के साथ निजी बातों को साझा करने से बचें। शुभ रंग होगा केसरी और शुभ अंक होगा 2। तुला राशि, अच्छा बोलकर आपकी कोशिशें पूरी हो सकती हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण बातचीत करनी हो या इंटरव्यू आदि हो तो सफलता मिल सकती है। आज आप निस्वार्थ ढंग से कोई कार्य कर सकते हैं। सकारात्मक भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे, दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। परिवार में कोई नया सदस्य भी आ सकता है। खुद पर भरोसा रखें, सेहत अच्छी रहेगी। तुला राशि वालों को आज की सलाह, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम और अन्य कार्यों में ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से पढ़ाई में नुकसान हो सकता है। इसलिए पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें, पूरा फोकस करें, पूरा ध्यान लगाएं। शुभ रंग आपके लिए होगा नीला और शुभ अंक होगा 3। वृश्चिक राशि, आयात निर्यात के कार्यों के लिए दिन काफी अच्छा है। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या घटना को आज पॉजिटिव नजरिए से देखने की जरूरत है। आपका दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज आपने जो नई जानकारी हासिल की है, जो नई चीजें सीखी हैं, वो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ने में मदद दिलाएंगी, आपके प्रतिस्पर्धियों से, आपके प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ने में मदद दिलाएंगी। ऑफिस में लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं। आकस्मिक यात्रा या दौड़ भाग भरी और तनावपूर्ण आज का समय या आज की जिंदगी रह सकती है। खर्चे अधिक होंगे, धन का संकट रहेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि वालों को आज की सलाह, अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। आज उनकी तबियत भी अपेक्षाकृत थोड़ी खराब हो सकती है, जिससे आपका मन भी बेचैन रहेगा। शुभ रंग होगा पीला और शुभ अंक होगा 5। धनु राशि, आज अधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। आमदनी व्यापार और अन्य उपक्रमों से काफी बढ़ती हुई दिख रही है। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा है, तो आज आप आय वृद्धि या पदोन्नति हासिल कर सकते हैं। आप कुछ धार्मिक कार्यों में संलग्न रह सकते हैं, जिसके कारण आपकी सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी। कुछ नए अधिग्रहण और आराम और मानसिक संतुष्टि आज आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। जिसके साथ भी आगे बढ़ने का सोचें, बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। धनु राशि वालों को आज की सलाह, नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपके लिए बहुत शुभ है। पूरी मेहनत उस पर आप लगा दें, पूरी लगन से उस कार्य को करें, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 1। मकर राशि, आपको दोस्तों से कोई नया बिजनेस शुरू करने का आइडिया या सलाह मिल सकती है। सफलता आपके पास खुद चलकर आएगी। ऑफिस में कर्मचारियों पर नजर बनाए रखें, बेहतर होगा। महत्वपूर्ण चीजों को संभाल कर रखने से आपको फायदा होगा। किसी कार्य के लिए तारीफ आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। टीचर्स एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम ट्यूशन या क्लासेस चला सकते हैं। मां दुर्गा को चुनरी चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मकर राशि वालों को आज की सलाह, कहीं से हानि होने की संभावना है, जिस ओर आपका ध्यान बाद में जाएगा, इसलिए पहले से ही सतर्क रहें और बहुत ज्यादा जोखिम लेने से बचें। शुभ रंग होगा भूरा और शुभ अंक होगा 9 यानी 9। कुंभ राशि, लेन देन और बचत के मामलों में आज आपको सीरियस रहना होगा। आपके लिए दिन अच्छा है। भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। जीवन साथी के साथ मतभेद खत्म करने की कोशिश हो सकती है, इसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। संतान संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। माता पिता की मदद आपको हमेशा की तरह मिलती रहेगी। कुंभ राशि वालों को आज की सलाह, अपने व्यापार को नई ऊंचाई देने के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, जिनका भविष्य में आपको फल अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। बड़ों की सलाह को ध्यान से सुने, तभी कोई निर्णय लें। शुभ रंग होगा ग्रे और शुभ अंक होगा 3। मीन राशि, आज पति पत्नी के बीच संबंधों को लेकर चल रही समस्याएं दूर होंगी। आज आपका कोई छुपा हुआ विरोधी आपको गलत साबित करने की पुरजोर कोशिश करेगा। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, तनाव से भरा हुआ दिन है। नजदीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं। आज आप जो भी बोलें बहुत सोच समझ करके ही बोलें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। परिवार में आपकी प्रशंसा होगी, आपका मन पारिवारिक जीवन से प्रसन्न रहेगा।
नई तकनीकी को अपनाने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। मीन राशि वालों को आज की सलाह, अपने काम के प्रति गंभीर रवैया अपनाएं और उससे संबंधित कोई ठोस निर्णय भी आप लें तो बेहतर रहेगा। एक बड़ा बदलाव आपको करने की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले एक बार विचार कर लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शुभ रंग होगा मेहरून और शुभ अंक होगा 7। यह थी बात आज के पंचांग और राशिफल की। मेष राशि से मीन राशि तक कैसा बीतेगा आपका दिन? अगर आप हमारे वीडियोस YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारा Facebook पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हमारी हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के आप लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।